राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो ये कल मैं जब आई थी वहाँ पे अपना हिमाचली बोनोफाइड बनवा के आई थी, उसके बाद मैं ना यहाँ पे बात कर रही थी अपनी देवरानी से, वीडियो कॉल की थी उसको, तो उस पर बात कर रही थी और गायों को पानी भी पिला रही थी। एक्चुअली मैंने कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गायों को ना प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ये नहीं देखती कि मुझे कपड़े चेंज करने, मुझे पहले उन इनका देखना है क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे। अब जितने को मैं कपड़े चेंज करूँगी, ऊपर जाऊँगी कमरे, ऑब्वियसली दिखती बात है कि आधा घंटा तो लगेगा ही, और कितनी प्यास लग जाएगी इनको तब तक, है ना। तो फिर मैंने इनको पहले पानी पिला लिया। मैं इनके लिए मुर्गे लेके आई थी, फिर वो भी निकाल ली। फिर मैंने बोला भाई आराम से जाती हूँ ऊपर, ठीक है। अभी मैं आ चुकी हूँ घर में और मैं आ गई अपनी गायों के लिए लेके। वो बच्चा पायल ना रोज टूट जाती है, मेरे को जुराबे ले जाने की याद भी नहीं हुई थी। और शानू आ गया मेरे को चाय लेके। एक वीडियो में बहुत कुछ, चाय पी लेती हूँ फिर इनको पहनाती हूँ मालाएं। थैंक यू। तो चलो जो जो अच्छा कहाँ पीने बेटा, आ जा चाय पी लेती हूँ फिर बांधती हूँ पशुओं को चेन। तो चलो चाय हो गई, अब थोड़ा सा नहीं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने ना तीनों के लिए छुटकी के लिए नहीं लाई है मैंने, ये देखो एक ये छुटकी के लिए नहीं लाई है मैंने। सोचा मैंने कि मैं तो तीन लेके आई थी और ये दो ही होंगे। ये देखो घुंघरियाँ हैं ये अपनी गायों को गले में बांधने के लिए। एक सेकंड मैं ना ये अपना पोंचू पहन लेती हूँ, फिर ऐसे गला अजीब जैसा लगता है तो अभी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगेंगी। तो ये देखो यहाँ पे अब ये बहुत ख़राब है। आज मैं इसको ना मुर्क भी लेके आई, ये नहीं देती अंदर बांधने, ये तो खत्म कर दे। इतनी खराब है ना कि ये कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मजबूरी में ना इनको मुर्के लगानी पड़ती है। पर ढीली ढीली लगाती हूँ मैं। तो पहले तो मैं इनके लिए माला पहना रही थी, तो मेरे नाक में बहुत दर्द है, तो पहले तो मैं माला का कर रही थी इसका मन के इसको। पर ये मालाएं भी बहुत खुली है ना, इनमें एक एक और करना पड़ेगा छः जैसा, तब थोड़ा टाइट जैसी होंगी गले में। तो मुर्क लगा रही थी मैं इसको, पर ये लग ही नहीं रही थी। थोड़ा मैं इसको ढीला कर रही थी, थोड़ा कुछ कर रही थी, पर हो नहीं रहा था ये मेरे से। तो और देखना पता इतना इसको बुरा मानती है ना मूर्ख का भी, क्यों लगाई। पर लगानी अब मेरे को ना लगानी पड़ी, मजबूरी में मेरे को इसको मूर्ख लगानी पड़ी। आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज मेरी दरानी भी आई थी घर में और हमने खूब सारी मस्ती की, खाया पिया। और देखो जो 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 भी मेरे, जब तक मैं यही रहूंगी ना तो फिर यही मेरे साथ साथ रहेगा। और इसके बाद जब फिर मैंने सिया को लेके जाऊंगी, बाकियों को तो बांध दिया था मैंने, फिर ये इनको लगी थी बांधने में। चलो जी, एक एक को बांध रही हूँ और एक एक को लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आई है मेरी दरानी जो कि मुंगरू चुग रही है। मैंने इसको मुंगरू भी दिए और भी ये दिए क्योंकि मैं कब से बुला रही थी इसको, मैंने कहा जा और ले जा मेरे साथ, तुड़वा भी और ले भी जा और गप्पे भी मारेंगे। तो आई थी ये, और ये देखो और मेथी को जितना ज़्यादा मैं काटूँ ना उतनी ज़्यादा होती है। मैंने इसकी ना कसूरी मेथी बनानी है, इसलिए मैं इसको काट दे रही हूँ और जो नीचे नीचे बचेंगे ना सुखाऊंगी और फिर बन जाएगा इसका क्या बोलते हैं कसूरी मेथी, आगे बहुत टेस्ट आता है। ये देखो
तो यहाँ पे हनी से बात कर रही थी मैं, वो दिखा रही थी मम्मी मेरे पास, देखो डी हुए, मैंने कहा मेरे दे दे, और मेरे को ना मैंने कहा जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है वो मेरे को ना ठीक होती है ऐसे डी हो ठंडा, मैंने कहा मेरे को दे दे। तब बोलो तो नहीं, फिर मैं इसको लागती रहती, मेरे को हाय हनी दे देना, मेरे बहुत मतलब बेकार जैसे लगे तो ये दया करता है फिर मेरे को दे देता है चीज़ कोई भी होती है। तो मैं इसके लिए साग और अपने लिए भी ये कर रही थी मेथी, तो ये देखो, और ये साग की ही मेथी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें फलियाँ नहीं ये होंगी, बस कसूरी मेथी बनेगी और साग बनता रहेगा। मेरी देवरानी को सबसे लंबा मुंगरू मिला वही भगवान तेरा, ये रहा और एक देख देख तो मुंगरू रिया हाइट देख तोड़ दे, ये देखो ये देखो, जैसे प्याज का वो नहीं होता ना आखिर थोड़े बोर कहा बस ये बस है ना। हाँ तो किए ये छोटे छोटे की भाई मैं लबोल तो ये भी जी तोड़नी है ना साइया देखी क्यों रिसु दे सुना आ सुना आ स्वादु आ सु तो मां साइया जुदा निगरे ना थोड़ा बहुत मिलोगा सही है दूजे सब्जी वाला ही है बाकी कुछ आमा बोली मुई पुता एक राख फूलने के मैं लेबो चुपरे फेरी खा। तो ये देखो ये मैंने इसको धनिया भी दे दिया, लहसुन की पत्तियां भी दे दी, और मैंने कहा सब्जी में डालना चटनी बनाना बहुत अच्छा लगता है। इसके ना पानी की दिक्कत है, नीचे लगा के रखती है पर थोड़ा बहुत होती है ना, है तो हमारे भी पानी की दिक्कत ना, पर हमारे अब जाके जब बारिश हुई ना तब हुआ थोड़ा बहुत है, पहले तो देखा नहीं था आपने बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा था। और अभी इसका भी घर नया है ना वहाँ पे, तो हमने तो खेत में बनाया घर, तो इसका साइड में वहाँ पर अभी क्यारियाँ बनाने को टाइम लगेगा। अब उसके बाद हमने चाय वगैरह बनाई फिर ऊपर चले गए साफ कर लूँ। तो अभी मैं ना चाय बना रही हूँ, ये देखो मेरी त्राणियां बैठी है किराए कुड़े राम राम ना हांजी जी हांजी जी बढ़िया बना रही। तो अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े, तो हम लोग चाय के साथ खाएंगे पकौड़े, चाय के साथ ही खाते हैं पकौड़े, मतलब कड़ी के लिए नहीं, आप लोग ये नहीं समझना। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रखा है, और ये देखो इसमें लहसुन की पत्तियाँ हैं, हरा धनिया है, प्याज है, बाकी बेसन है और छोटा मोटा और भी है। तो ये देखो यहाँ पे, और चाय भी तैयार है बन के, ये बैठी मेरी दरानी कुर्सी के ऊपर, इसको खिलाएंगे पकौड़े पकौड़े। और अब पूछते हैं अपनी दरानी को कि कैसे बने थे, किर बंद भाई बहुत टेस्टी बने करकसम है, इसको बड़े टेस्टी लगते है। अब बोलते वाह बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हो, तू बोल देख बार मुंह दे बहुत अच्छे टेस्टी पकौड़े बनाए थे मेरी जेठानी ने, मेरी दीदी ने। उंगली का पूछ रहे थे आप लोग ना, अभी नहीं है ठीक, अभी उबड़े कर, अभी नहीं है ठीक भाई, बिना सपोर्ट के काम नहीं कर सकते, आप लोग दुआ करना ही जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पे फिर ये घर चली पड़ी थी आदि अपनी भाषा दीन दी। अब ये जा रही है बाय यार, एत का कर देना था ये भी, मैं पता क्या करना ये भी मैं इसी ना भीड़ बांधनी नहीं, आधी जाओ पूरे पहले लाओ देख देख मैं डरू भीड़ के।
तो आप लोग बोल रहे थे ना कि उपासन कुछ है भैया है हमारे, देखो ये अब बिल्कुल टाइट नहीं है, ये बिल्कुल लूज है, ये देखो ये जो मैंने डाली है ना इनको, ये बिल्कुल बिल्कुल टच भी नहीं होती इसके साथ, और यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे। और ये पता क्यों डालनी पड़ती है, देखो मैं कभी भी टाइट मुर्क नहीं डालती अपनी गायों को, ये भी इसलिए ना भाई अगर इनको ये मतलब फिर मेरे से खींची नहीं जाती, ये होती है ये दिक्कत होती है। और सिया के भी देखो कितनी जगह अर्जी, ये देखो सिया के पीछे कितनी जगह, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरी सिया को, बिल्कुल खुली है। और ये देखो है ना सुंदर है ना, ये जो मणके हैं, और ये तो बहुत शरारत है बस ऐसे रहे। इसको नहीं लाया कुछ नहीं, इसको भी लेके आऊंगी कल, शिव मैं देती हूँ घास बेटा मैं देती हूँ, रुको। चली गई मेरी दरानी, बहुत बुरा लग रहा है, पहले हम ना साथ में रहते थे हमेशा, और हम हमारे को ना किसी और से कोई मतलब ही नहीं होता था, हम दोनों की अपनी एक दुनिया थी। बहुत पहले हमारा हम कम बात करते थे, बहुत पहले की अगर बात करूं, पर हमारी पनीर यानी भाई शुक्र है बैंगन की तो बहुत अच्छी आ गई, ठीक है। और इधर टमाटर हैं, टमाटरों की भी आ गई, बस मिर्चों की नहीं आई, मिर्चों की पता नहीं क्यों नहीं आई, क्या फर्क रह गया इनमें ना। ये बैंगन की देखो कितनी बड़ी आ गई, ये सारी बैंगन की है, बैंगन की बहुत अच्छी आ गई। यहाँ पे मैंने ब्यू लगा रखे हैं, इसमें ना मैंने बीज वगैरह लगा रखे हैं इस वाले में, जैसे कद्दू काकड़ियों के बीज होते हैं ना, वो यहाँ से उखाड़ के फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे उनको। तो चलो जी, वो भी नहीं हुए अभी ढंग के ना, तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे घास को, और ये भी आ गए काम से, और जो जो को लाई हूँ मैं, पर उसको मैंने बांध के रखा है, नहीं तो आने जाने वालों को पड़ जाता है खाने, लेटा हुआ है। ये छोटा छोटा सा घास है, इसको काट रही हूँ उनके, चलो थोड़ा हरा हो जाएगा नहीं। सिंबल का पेड़, मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, और वो बहुत महंगी है, आप लोगों ने कभी देखी है क्या, ये देखो ये है, क्या बनता है इसका नाम, ये बनस का फूल है, इसके ऊपर एक गाना भी है, ओ तारा रे ओले ओले आई जा बनस करे फूल चुगने। ये देखो ये बनस का है, और ये बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, पहले लोग बहुत चूते थे इनको फिर बेचते थे, उस तरह से भी लोग अपना वो करते थे, पर ये पता नहीं कितने क्या किलो है भाई, फोकस नहीं कर रहा है, ये देखो ये है। बहुत ही ज्यादा ये ऐसी होती है इसकी डंडी पतली जैसी, यहाँ बहुत सारी है, जो सारे सफेद फूल है ना, लाल वाले नहीं पिंक वाले नहीं, जो सफेद वाले हैं ये सारे बनस्का के फूल हैं, वो देखो आगे तक, मैं बोल रही हूँ नहीं कि पापा को चलो चुगते हैं, ये देखो यहाँ पे भी कितने, ये सब ये देखो, और यहाँ पे अब ये घास में काटे जाएंगे, ये देखो, और ये आजकल ही होते हैं, हाँ नहीं बन नहीं है इतको जाओ, तो बस ये बेचू थे पहले बनस का चुगी थी आउट पर रहने वाले नहीं ककड़ी सिंगिया बनस का है बनस कर ककड़ी सिंगिया है और क्या दवाई बनो ही ना रे है बड़ा भारी हल्का हुआ बड़ा परेशान ने पड़ो है
ना ना रहा वाले पड़ो आए परिवार जी तो नकल लगनी मारे।